हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 6 का जो है, जो आपके चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6, उसका पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जस्ट लाइक ये 6.1 है, और 6.1 के इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इस क्वाइल में जो डायरेक्शन इंड्यूस्ड होगी वो डायरेक्शन बतानी है, करंट की डायरेक्शन, इस क्वाइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैग्नेट, बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट किस तरफ मूव कर रहा है, टुवार्ड्स द क्वाइल, ये क्वाइल की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे भी बनेगा आपका साउथ। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, आपने जैसे हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है वहाँ पे, कि हमेशा ये क्या करता है, बार मैग्नेट क्वाइल जो है बार मैग्नेट के मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ पे क्वाइल में इसलिए अपोजिशन होती है बार मैग्नेट का, क्योंकि यहाँ पे भी साउथ पोल इंड्यूस्ड हो रहा है, और साउथ पोल जब इंड्यूस्ड होता है तो वही करंट की डायरेक्शन को जज करके बता देता है कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके लिए क्वाइल बना रहा हूँ, और क्वाइल यहाँ पे एक सेपरेट सा मैंने एक बार मैग्नेट आपके लिए बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये साउथ और ये नॉर्थ, और करंट की मैग्नेट की डायरेक्शन, बार मैग्नेट की डायरेक्शन क्वाइल की तरफ है। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे भी आपका क्या बनना है, साउथ पोल बनना है, तो ये साउथ पोल बन रहा है, और साउथ पोल के कारण इसमें करंट की डायरेक्शन जो होगी वो आप देख सकते हो। आप ऐसे तो आप डिसाइड कर लो कि यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसमें जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि इस क्वाइल में डायरेक्शन को जज करना पड़ेगा कि डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने साउथ का दिखाया, तो ये करंट इस तरह से, इसका मतलब इसमें जा रहा है। आप देखो जिस तरह से मेरा पेन इस पे चल रहा है, तो ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो क्योंकि डायरेक्शन इसमें साउथ का है, तो आप क्लियरिफाई कर सकते हो यहाँ पे, ये इस तरह से डायरेक्शन जा रहा है, और ये वापस ऊपर की तरफ आप देखोगे मेन, आपको पता लग जाएगा इससे करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, और इसका मतलब ये क्यू पे जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्यू से होती भी जा रही है, क्यू से ऊपर की तरफ जाएगी, और ये क्यू से ऊपर एक जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट दिखा रहा है, ये पॉइंट आर है, क्यू आर से होती हुई ये पी की तरफ जा रही है, और इस तरह से करंट की डायरेक्शन आप यहाँ पे जज कर पा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप बता सकते हो क्लियरली कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है यहाँ पे, जी हाँ, क्यू आर पी क्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू आर पी क्यू, ये आपकी यहाँ पे जो है करंट की डायरेक्शन इस क्वाइल में दी हुई है, जो कि आपका 6.1 का जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग है। दूसरे डायग्राम की बात कर लेते हैं, दूसरे डायग्राम को भी थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा डायग्राम है जो 6.1 का ही है, बी सेकेंड वाला डायग्राम, बी डायग्राम है, और इसमें आप देख रहे हो कि साउथ पोल मूव कर रहा है आपके इस तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, जैसे पहले वाले डायग्राम में मैंने पहले ही बोल दिया था कि जैसे ये साउथ पोल बना रहा है, तो इस तरफ भी ये क्या कर रहा है, साउथ की डायरेक्शन को दिखा रहा है। जब ये साउथ की डायरेक्शन को दिखा रहा है, मतलब मैग्नेट का साउथ पोल मूव किधर कर रहा है, टुवार्ड्स पी क्यू, पी से पी और क्यू की तरफ मूव कर रहा है, और इसका नॉर्थ पोल जो है ये अवे जा रहा है, किससे, एक्स वाई जो क्वाइल है आपका, ओवरऑल जो एक्स वाई क्वाइल है इससे दूर जा रहा है। तो लेंज लॉ के कारण जो करंट इंड्यूस्ड होना चाहिए, यहाँ पे इसमें एस होना चाहिए, एस पोल की तरह से होना चाहिए, और दूसरे वाले में भी इसके एक्स एंड पे भी यहाँ पे एस ही पोल प्रोड्यूस होनी चाहिए, इंड्यूस होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे, मतलब इसके कहने का मतलब, जो ये क्वाइल है इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी, ठीक है, और दूसरे वाले में भी जो होगी इंड्यूस्ड करंट होगी वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी। तो इंड्यूस्ड करंट इसमें जो होगा पहले वाले क्वाइल में, वो डायरेक्शन होगा आपका यहाँ पे पी आर क्यू, यहाँ पे जो होगा वो होगा पी आर क्यू, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए इसको मैग्नीफाई मैंने किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये क्वाइल दिया हुआ है हमारे पास, इस क्वाइल को मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाना, आपको समझ में आता जाएगा। ये मैं बिल्कुल फ्रेश करके आपको ड्रॉ करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपके लिए जो ड्रॉ किया है वो जो एस पोल है, वो एस पोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस तरह से करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हो, करंट की डायरेक्शन इस तरह से जा रही है, और अल्टीमेटली ये पी पॉइंट पे जो है
यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। पी के बाद इसी को मैं मूव कराऊं तो पी से आर की तरफ और आर से क्यू की तरफ, तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे आप बता सकते हो कि इस कॉइल में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पी आर क्यू, पी आर क्यू की डायरेक्शन होगी। जो साउथ पोल जब फर्स्ट कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो कॉइल है उस तरफ मूव करता है, तो वो करंट की डायरेक्शन इसमें पी आर क्यू की इंड्यूस्ड होती है। और इसमें भी ये जो राइट साइड में जो कॉइल है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें भी करंट इंड्यूस होगा, और इसके कारण जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी इसके लिए वो वाई जेड एक्स की होगी, जिस तरह से हमने इसके लिए कंसिडर किया था ठीक उसी तरह से दूसरे वाले के लिए भी होगी। 6.1 का ये सी वाला डायग्राम है जिसमें हम लोग देख सकते हैं ये सर्किट आपका कंप्लीट है, ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट है। और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आप देख लो, वो एस से मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो करंट की डायरेक्शन है ऑब्वियसली बात है ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है ये कैसे बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन आपको इसमें गिवेन है। तो जब करंट की डायरेक्शन इसमें गिवेन है तो इसके सामने वाले सर्किट में, ये जो सर्किट है इसमें हमें बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन इसके लिए क्या होगी वो आप देखो, और लेंज लॉ से जैसे आपको पता है कि वो हमेशा जो भी लूप बन रही है उसमें करंट के चेंज का वो क्या करता है, अपोज करता है। तो ये वाला जो लूप है जो कि आप एक्स वाई जेड इस तरह से आप लूप देख रहे हो, ये भी करंट का क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो इसके कारण यहाँ पे जो बनेगा, ये अगर एस बन रहा है तो यहाँ पे एन बनेगा, और एन बनने के कारण जो करंट की डायरेक्शन होगी आपकी वो वाई जेड एक्स के डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी, वाई जेड और एक्स, तो इसमें करंट की डायरेक्शन हो गई वाई जेड एक्स। 6.1 के जो डायग्राम है, डी डायग्राम है ये, इसमें करंट की डायरेक्शन आप देखो, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इसे साफ पता लग रहा है कि कौन सा पोलरिटी यहाँ पे बन रही है। तो करंट की डायरेक्शन से तो मुझे लगता है, मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो कि नॉर्थ पोल बन रहा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है। तो एज द रियो एस्टेट एडजस्टेड, ये आपका रियो एस्टेट है, ये एडजस्ट जैसे ही करोगे द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड करंट इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जब डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें करंट इंक्रीज करेगी, और करंट जैसे ही इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज इन फ्लक्स, फ्लक्स यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लक्स फील्ड लाइंस भी इंक्रीज करेगी थ्रू द नेबरिंग कॉइल, ये जो आपका नेबरिंग कॉइल है इसके थ्रू इंक्रीज करेगी, वो आपका लेंज रूल ही है आप समझ सकते हो। और जब ये इंक्रीज करेगा तो वहां पे क्या होगा, ये अपोज करेगा उस इंक्रीज का, तो इंड्यूस करंट शुड प्रोड्यूस फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल फ्लक्स। तो अगर ओरिजिनल फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और मैं यहाँ पे चाहूँ कि भाई किस तरह का इंड्यूस हो रहा है वो आपको बताना चाहूँ, तो अब आप इसका रिप्लाई खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंड्यूस हो रहा है वो साउथ का इंड्यूस होगा, जिसके कारण इसकी डायरेक्शन ऑफ करेंट जी होगी वो जेड वाई और एक्स की होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो करेंट, डायरेक्शन ऑफ करेंट जेड वाई एक्स। यस, 6.1 का ये जो ई पार्ट है इसको भी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास बताया गया है टैपिंग की जस्ट रिलीज, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि टैपिंग की को आपने यहाँ पे रिलीज नहीं किया, आपने कनेक्ट किया होता तो करंट की डायरेक्शन कैसी जाती, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से जाती इसमें और इस तरह से, तो ये जो करंट की डायरेक्शन जाती तो इस हिसाब से यहाँ पे आपके पास बनता होता नॉर्थ पोल, और जब ये नॉर्थ पोल बनता होता तो उस केस में इस तरफ बनता आपका साउथ पोल, ठीक है। और जब साउथ पोल बनता तो ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन ऐसी रहती है इसमें, ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट की डायरेक्शन ये होती है ना, लेकिन इसके सामने अब ये साउथ पोल बन रहा है तो साउथ पोल में करंट की डायरेक्शन आप अगर देखोगे तो उस समय के हिसाब से इसकी डायरेक्शन वाई आर और एक्स की होती। साउथ पोल अगर बनता तो उसमें करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो यहां से ऐसे आता, और ये वाई आर और एक्स का होता। लेकिन अब जो चेंजेस यहाँ पे हो रहा है, आपको ये कह रहा है कि की को क्लोज नहीं करना है, की को ओपन करने की बात की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जब की ओपन की जाएगी तो उसमें जो फ्लक्स है वो फ्लक्स लगातार फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही उसमें उसकी उस ड्यूरेशन में क्या होगा, सर्किट ब्रेक होगा। मैं यहाँ पे सर्किट को ब्रेक करके आप दिखा रहा हूँ, जो एक्चुअल डायग्राम पहले था उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए सर्किट ब्रेक हो गया,
जब सर्किट ब्रेक होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स सर्किट के ब्रेक होने से, यहां पे मैं लिख देता हूं, सर्किट अगर ब्रेक होता है तो फ्लक्स डिक्रीज करेगी, फ्लक्स क्या होगा डिक्रीज करेगा, और जो डायरेक्शन अभी हमने एज्यूम किया था जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। हमने डायरेक्शन क्या एज्यूम किया था, इसमें हमने नॉर्थ लिया था, बिल्कुल सही, और अब ये क्या होगा, ये नॉर्थ की तरह नहीं साउथ की तरफ बिहेव करेगा, और जब ये साउथ की तरफ बिहेव करेगा तब ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, और उस केस में जो इसकी डायरेक्शन है वो हो जाएगी एक्स आर वाई, एक्स आर और वाई की डायरेक्शन हो जाएगी जस्ट अपोजिट। मैंने सोचा, मैंने पहले वाले में क्या किया था, सर्किट को क्लोज करके सोचा था, तो उसमें वाई और एक्स था क्योंकि वहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, अब फ्लक्स डिक्रीज जब होगा तो अपोजिट हो जाएगा और वो हो जाएगा एक्स और वाई। तो इस तरह से इसकी सर्किट को भी हम लोग समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 6.1 का एफ पार्ट का। तो करंट यहाँ पे बताया गया है, करंट आई डिक्रीजिंग एट ए स्टेडी रेट, अगर स्टेडी रेट से डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा। देखिए जो सर्कुलर फील्ड लाइंस हैं जो इसके अराउंड में सेटअप हो रही है, ये सर्कुलर फील्ड लाइंस आप देख रहे हो, ये सर्कुलर फील्ड लाइन जो इसके अराउंड सेटअप हो रही है, और करंट कैरिंग वायर लाई अराउंड द लूप, अगर इसके अराउंड कोई आप करंट कैरिंग वायर ले लेते हो तो फ्लक्स थ्रेडिंग द क्वाइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, और फ्लक्स क्या है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन है मतलब 90 डिग्री बना रहा है, तो फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है ऐसे भी, तो वो फ्लक्स क्या होगा वो जीरो हो जाएगा। तो एनी चेंज इन करंट विल नॉट चेंज इज फ्लक्स, अगर कितना भी करंट में आप इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो उससे उसमें फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो उस तरह हिसाब से देखा जाए तो करंट इंड्यूस्ड ही नहीं होगा क्वाइल में, तो नो करंट इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, सिंपल सी बात है यहाँ पे, नो करंट इंड्यूस्ड इन द क्वाइल। ओके, तो इस तरह से ये 6.1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन दैट मीन 6.2 को मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं, देखेंगे। क्वेश्चन है यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय फिगर 6.19। दो फिगर है यहाँ पे हमारे पास, ए और बी। तो फर्स्ट के लिए हमारे लिए बोला गया है अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इन टू अ सर्कुलर शेप, राइट, एंड बी वन इज अ सर्कुलर लूप बींग डिफॉर्म्ड इन टू अ नैरो स्ट्रेट वायर। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और ये डायग्राम भी आपके पास दिया हुआ है, ए डायग्राम और बी डायग्राम। इससे देख के हमें डिसाइड करना है कि लेंज लॉ के हिसाब से करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होनी है। देखिए एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे जिस तरह से ये लूप दिखाया गया है ये इरेगुलर शेप का एक लूप है जो फिगर ए में दिखाया गया है, और इस इरेगुलर शेप के लूप को ये लूप कन्वर्ट हो जाता है आपका एक सर्कुलर लूप में। दैट मीन्स इसकी एरिया जो है सर्कुलर की, ऐसे भी एरिया सर्कुलर लूप की हमेशा मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात छोड़ भी दी जाए तो ये बता सकते हो आपकी कि एरिया क्या है, इसकी एरिया जितनी थी इसकी एरिया उससे ज्यादा है, तो इसमें बी वाले में आपका एरिया इंक्रीज कर गया। दूसरी चीज क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जब एरिया इंक्रीज कर गया तो उससे ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे होके पास करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, तो एरिया इंक्रीज भी तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जैसे कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि इंड्यूस करंट शुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल फ्लक्स, ठीक है। तो फॉर दिस इंड्यूस करंट शुड फ्लो इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये इसमें जो फ्लो होगा वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होने वाला है, और वो डायरेक्शन कैसी हो, मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। ऐसे भी मैंने पहले भी बोला था कि ज्यादातर अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रही है इस तरह के केस में तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इससे पहले वाले एग्जांपल्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं ए से शुरू करूँ इसकी डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन होगी ए से डी, डी से सी और सी से बी और फिर ए तक लूप में अगर देखा जाए, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो डायरेक्शन होने वाली है वो ए डी सी बी, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये क्लियर हो गई, डायरेक्शन की बात तो हमारे पास क्लियर हो जाती है। और नेक्स्ट बी पार्ट में बोला गया है कि इसी सर्कुलर लूप को
आप ट्रांसफॉर्म कर दो, डिफॉर्म कर दो किसमें, एक नैरो स्ट्रेट वायर में। ऑब्वियस सी बात है अगर नैरो स्ट्रेट वायर में इसको चेंज कर दिया जाए तो एरिया क्या होगी इसकी। अब सारी बातों को फिर से सोचा जाए तो ऑब्वियस सी बात है एरिया डिक्रीज कर जाएगी। एरिया डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स जो लिंक्ड होगी इस ये वायर से वो भी डिक्रीज हो जाएगी, दोनों ही डिक्रीज होगी। तो लेंज लॉ के कारण जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है फ्लक्स के कारण, वो उस केस में करंट शुड प्रोड्यूस अ फ्लक्स इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल फ्लक्स, ओरिजिनल फ्लक्स के डायरेक्शन में ही होगा। और ओरिजिनल फ्लक्स जो है जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से ही देख लिया है कि वो क्या है, ए डी सी बी। मैं यहाँ पे अपनी बात को फिर से एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट है वो शुड प्रोड्यूस फ्लक्स इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल फ्लक्स। ओके, फॉर दिस द इंड्यूस्ड करंट शुड फ्लो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि जैसे पहले भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी उसकी, क्लॉकवाइज ही थी, इसलिए इस केस में भी जो डायरेक्शन आपको मिलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मिलनी है और ये बहुत ही आसान हो जाता है। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.3। इसमें दिया हुआ है अ लॉन्ग रॉड जो सोलिनॉइड है, लॉन्ग सोलिनॉइड विथ 15 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आपके पास 15 दिया हुआ है तो स्मॉल एन आप लोगे 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, हैज ए लूप ऑफ एरिया, इसकी एरिया भी दी हुई है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। ये रॉड को जो लॉन्ग रॉड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। इफ द करंट कैरीड बाय द सोलिनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम, करंट जो चेंजेस हुई है वो 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर और इसके ड्यूरेशन में जो टाइम आपका लगा है 0.1 सेकेंड का, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। हमें ईएमएफ चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए जिस समय जो करंट में चेंजिंग आया था उस ड्यूरेशन में ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, तो हमें ई चाहिए, तो ई इक्वल टू व्हाट। तो एट फर्स्ट जो गिवन पार्ट है उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गिवन है वो स्मॉल एन इक्वल टू आपके पास है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और ये आपको समझना होगा वहाँ पे क्योंकि इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1500 टर्न्स पर मीटर। अगर ये आप नहीं करते हो तो आपकी यहीं से थोड़ी सी मिस्टेक स्टार्ट हो जाएगी। इवन एरिया जो आपके पास दिया हुआ है उसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एरिया आपके पास दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर में और जिसको आपको करना होगा मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया भी आपने चेंज कर लिया। अब आपसे पूछा गया है ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होता है, तो ईएमएफ के लिए आपको फॉर्मूला पता है ई इक्वल टू होता है d∅dt। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये करंट चेंज के टर्म में दिया हुआ है तो हमें उसके अकॉर्डिंग करंट के टुवर्ड्स एक फॉर्मूला रिलेटेड चाहिए जो कि ईएमएफ से रिलेट होना चाहिए। तो कोशिश करनी है हमें कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला है चेंज इन करंट के फॉर्म में आए, तो पहले देखते हैं ये मैंने d∅dt मैंने आपके लिए लिख दिया है और फ्लक्स फाइ इक्वल टू होता है b × a, आपको भी पता है b · a होता है। और अब आप क्या करो, एरिया अलग कर दो और इसको आप लिख सकते हो dv/dt, ठीक है, dv/dt लिख दिया आपने, और यहाँ पे आप a d/dt लिख दिया। और सोलिनॉइड के लिए जो b होता है, b इक्वल टू सोलिनॉइड का फॉर्मूला जो होता है आपने बहुत बार यूज किया है, इवन सोलिनॉइड और टोराइड मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों के लिए सेम फार्मूला है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई का है, आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे वही फार्मूला आपको म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई आपको यूज करना है, जो जो ऐसा टर्म्स है जो कि जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा कांस्टेंट टर्म उसको मैं यहाँ पे बाहर कर रहा हूँ क्योंकि म्यू नॉट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट को बाहर निकाल लिया, एन को बाहर निकाल लिया, एरिया ऑलरेडी आपका बाहर है, तो अब आप देख सकते हो ये चेंज इन करंट मतलब di/dt के टर्म में आपके पास फॉर्मूला ईएमएफ का आपको मिल गया है, जो कि जिसकी कोशिश हमने यहाँ पे पहले बता दी थी कि उसी को हमें
चेंज इन करंट के टर्म में चाहिए। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट आपके पास होता है 4π × 10⁻⁷। ये तो म्यू नॉट की वैल्यू है, इंटू 1500, ये आपने ले लिया क्या नंबर ऑफ टर्न्स 1500, इंटू एरिया आपका है 2 × 10⁻⁴ का, तो ये एरिया भी आ गया। और चेंज इन करंट आप देख रहे हो 4 − 2 अपॉन जो टाइम लगा इस ड्यूरेशन में चेंजेस का 0.1 का है। ओवरऑल जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू आनी है 7.5 × 10⁻⁶ वोल्ट। ये आपका यही ईएमएफ की वैल्यू है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है यही होगी आपकी यहाँ पे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6.4 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है आपके पास। जैसे क्वेश्चन 6.4 दिया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 cm एंड 2 cm विद अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 tesla डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। वॉट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप is 1 cm/s if in the direction normal to the longer side b wale mein hai shorter side of the loops for how long does the induced voltage last in each case। to 6.4 mein aapke paas jo jo given hai usko proper pehle diagram draw karte hain uske related, uske baad main ek ek karke discuss kar deta hu। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीजें दी हुई हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड आपकी बी इक्वल टू 0.3 tesla, वेलोसिटी जो है जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिया है 1 cm/s का है, तो इस वेलोसिटी को आप चाहो तो चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, तो 0.01 m/s। और लेंथ जो है इसकी यहाँ पे मैंने दिखाया, दोनों सेम लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, लेंथ 8 cm की है और जो इसकी विड्थ है वो 2 cm की है। 8 cm को भी आप लेंथ वाइज अगर आप चेंज करना चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 cm विच इज इक्वल टू 0.08 m एंड बी इक्वल टू 2 cm, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू 0.02 cm। एज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, लॉन्गर साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, वेन द लूप मूव्स नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड्स, ये लॉन्गर साइड है आपकी, इसके अक्रॉस अगर ये मूव कर रहा है तो उस केस में जो ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा ई इक्वल टू बी एल वी, ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.3 दी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। और लेंथ जो है आपकी, लेंथ जो 8 cm है इसके अक्रॉस ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे 0.08 आप लोगे इनटू, और जो साथ ही साथ वेलोसिटी यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेलोसिटी कितनी की है 0.01, तो ये आपको अप्लाई करना है 0.01 की वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा 2.4 × 10⁻⁴ वोल्ट, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब सवाल है यहाँ पे कितना लास्ट तक जो है उसके लिए कितना ईएमएफ होगा, चूंकि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। तो यहाँ पे इसके साथ जो इंड्यूस्ड इन ईच केस का जब मामला है वो देख लेते हैं, टाइम फॉर विच, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम फॉर विच ईएमएफ लास्ट, जो ईएमएफ है वो कितनी होगी, तो वो उतनी ही होगी जितना कि आपका जो टाइम लगेगा शॉर्टर साइड्स को मूव करने में, मूव करके बाहर निकलने में, मतलब ये जो शॉर्टर साइड है इसको बाहर निकलने में जो टाइम लगेगा वही होगा। तो उसके हिसाब से ये बी बाई वी, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस बी होगा क्योंकि ये डिस्टेंस होगी आपकी जो इसको बाहर निकलने में वक्त लगेगा इसी डिस्टेंस को, और किस वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है, बी भी आपके पास दिया हुआ है, बी इक्वल टू 0.01
0.02 upon 0.01 which is equal to 2 seconds. तो 2 सेकेंड लगेंगे इसको बाहर निकलने में. सेम उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट के इसकी बात कर लूँ मैं. ये हमारा नंबर वन पार्ट था जिसमें हमने ए वाले पार्ट को डिस्कस किया है. बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं. तो बी वाले पार्ट में भी हमें इसी मेथड से मूव करना होगा. इस बार हमें ईएमएफ जो निकालना है ई इक्वल टू इस बार बी, लेकिन बी वाले पार्ट को लेना होगा. यहाँ पे जैसे लेंथ लिया था इस बार हमने, तो इस बार जो है वो बी होगा, बी बी इंटू वी. तो इस बार एल की जगह पे बी हो गया क्योंकि हमें देखना है शॉर्टर साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसा कि दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास बताया गया है कि शॉर्टर साइड ऑफ द लूप देखा जाएगा, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो 0.3 की है इनटू बी जो है आपका इस बार 0.02 का होगा, तो 0.02 और इनटू और वेलोसिटी वही रहेगी, 0.01 की वेलोसिटी रहेगी, तो 0.01 हो गया ये. ठीक है, तो ओवरऑल ये जो होगा आपका E इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.6 × 10⁻⁴. ये वोल्ट आ गया, ईएमएफ का वैल्यू आपके यहाँ पास ये आ गया. अब इसके लिए भी हमें देखना है टाइम फॉर ईएमएफ लास्ट कितनी होगी. तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन इस बार बी नहीं होगे. इस बार क्या होगा आपके लिए, चूंकि लॉन्गर साइड्स को देखा जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने में कितना टाइम लेता है, तो बी एल बाई वी. एल लेंथ इस बार 0.08 की होगी आपकी, और वेलोसिटी जो है वो आपकी 0.01 की होनी है. तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 8 सेकेंड. 8 सेकेंड में ये साइड्स आपका जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा. ठीक है, तो ये 6.4 भी आप, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6.5 मैं रीड कर देता हूँ पहले. तो 6.5 में जैसे दिया हुआ है कि 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेटेड विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड. About an axis normal to the rod passes through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and a uniform magnetic field, जो uniform magnetic field है वो 0.5 tesla, parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. दोनों पे जो EMF developed हो रही है, सेंटर और रिंग दोनों की बात की जा रही है, वो हमें कैलकुलेट करके बताना होगा. यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन पार्ट है, पहले उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ रॉड जो दी हुई है वो आपके पास है 1 मीटर की, और जो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पे है 400 रेडियन पर सेकेंड की. तो जो भी गिवन है उसको मैं एक एक करके यहाँ पे नोट कर रहा हूँ. इवन मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 टेस्ला की है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ डेवलप्ड हो रहा है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द center and the ring, is, अब ये फॉर्मूला मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स में, एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल्स में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो. और मैं इवन यहाँ पे आपको एक बार कोशिश करूंगा कि आपको ये इंट्रोड्यूस कर दूं कि वो जो फॉर्मूला है वो किस पेज नंबर में है और कौन से एग्जाम्पल्स का है, मैं ये भी आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा, ताकि आप भी अगर जैसे ही आप उसमें ढूंढोगे तो आपको भी मिल जाए, और आप अच्छे से वहाँ पे इस फॉर्मूले को की जो डेरिवेशन की हुई है वो आप देख सकते हो. ये एग्जाम्पल है 6.6 का, एनसीईआरटी की बुक एग्जाम्पल 6.6 पेज नंबर 213 और 214, दोनों में मिला के इस क्वेश्चन को कम्प्लीट किया गया है. तो आप यहाँ पे आराम से उस क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हो, और उस फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है, वो फॉर्मूले की एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई किया हुआ है, वो है एल स्क्वायर बी ओमेगा. ये फॉर्मूला है जिसमें हाफ इनटू आप एल स्क्वायर, जो लेंथ है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर करोगे आप
वन ही रहेगा, और इवन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 टेस्ला की है, इनटू ओमेगा जो है आपका वो 400 का है। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास फाइनली 100 वोल्ट ये आपका आंसर होगा। बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 6.6 में रीड कर रहा हूँ। अ सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 220 टर्न्स, सर्कुलर क्वाइल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है और 20 टर्न्स है, रोटेटेड इट्स वर्टिकल डायमीटर। ध्यान से देखेंगे कि किसके वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड, जिस एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा है वो 50 रेडियन पर सेकेंड का है, इन यूनिफॉर्म ओरिएंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड दी हुई है वो 3×10⁻²  टेस्ला की है। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल इफ द क्वाइल फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द क्वाइल, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल हीटिंग, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो आपको निकालनी है, तो वन बाय वन इसको भी एक एक करके पहले क्या गिवन है उसको सेपरेट करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के वन बाय वन पार्ट को हम लोग एंड जो दिया हुआ है जो फाइंड आउट करना है उसको देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.6 में पहले क्या क्या गिवन था हमारे लिए, वो मैं नोट कर दे रहा हूँ आपके लिए। रेडियस है जो कि 8 सेंटीमीटर का है, और आपको पता है कि जो भी वैल्यू दी हुई है उसको आप क्या करते हो, एट फर्स्ट उसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हो, तो 0.08 मीटर। इवन नंबर ऑफ टर्न्स जो दिया हुआ है वो 20 टर्न्स है ना। तो सर्कुलर क्वाइल रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स, रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी आपकी दी हुई है वो कितनी है, 50 पर सेकेंड की है, और इवन मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है वो 3.0×10⁻²  टेस्ला का, ये सारी चीजें आपके पास दी हुई हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि किसी भी इंस्टेंट टाइम पे क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्वाइल एट एनी इंस्टेंट टाइम किसी भी इंस्टेंट टाइम पे क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ईएमएफ ई इक्वल टू कितना होता है, मैंने बताया था फॉर्मूला नवाब आपको याद होगा, तो एन ओमेगा ए बी, और इसके साथ साथ साइन ओमेगा टी इस फॉर्मूले में यूज होता है, तो साइन ओमेगा टी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है नवाब का, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस नवाब को आप ई नॉट लिख दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, अब आपको अच्छे से याद रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इवन अब सवाल उठता है कि ये आपने इंस्टेंट टाइम के लिए ईएमएफ लिया, लेकिन मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्वाइल में कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो मैक्सिमम तब होगा जब ये वाली जो वैल्यू है साइन ओमेगा टी की ये वन हो जाए, ये वन तब होगा जब साइन ओमेगा टी जो है वो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे अब मैं बता दूं आपको कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके लिए ये हो गया जो नवाब का फॉर्मूला है, और एरिया को तो आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे एन ओमेगा और एरिया की जगह पे मैं लिख देता हूँ एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेडियस दिया हुआ है तो आपको पाई आर स्क्वायर करके इसकी एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब सबकी वैल्यू आप लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, इनटू ओमेगा, ओमेगा आपका 50 पर सेकेंड का दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी आप ले लोगे, लेकिन यहाँ पे सारी चीजों को आप ले लो,
इवन मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, तो पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख देता हूँ, 3 × 10⁻²² की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, और पाई आर स्क्वायर, तो पाई जो है, पाई की वैल्यू आप 3 पॉइंट आप ले सकते हो, 3.14, तो यहाँ पे मैं 3.14 इंटू, और ये जो है आर स्क्वायर मतलब 0.08, रेडियस आप देखो 0.08, तो यहाँ पे 0.08 मैं प्रेस करके इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आप देख लो सारी वैल्यू, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा, पाई आर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड, सब की वैल्यू का अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.603 वोल्ट, इतने वोल्ट की वैल्यू आएगी, इतना इसका मैक्सिमम ईएमएफ आपका इतना होगा, ठीक है। और अब सवाल है कि एवरेज ईएमएफ क्या होगा, उसको भी हमें यहाँ पे देखना है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज ईएमएफ कैसे निकालना होगा, तो स्टेप वाइज मूव करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहली बात है कि सिंस एवरेज वैल्यू जो होती है यहाँ पे साइन ओमेगा टी की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर अ साइकिल इज जीरो, क्योंकि साइन का ग्राफ जो होता है अगर यहां से देखा जाए तो इस तरह से ग्राफ होता है, तो एवरेज यहां से यहां तक के लिए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये बहुत ही मार्केबल बात है, और बहुत बार ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ई एवरेज जो है आपके लिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक तरह का, जीरो हो गया। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट का जहाँ तक सवाल है तो उसको देखेंगे कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट हमारे लिए क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट वो जो आपके पास आएगा वो आएगा आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय आर, ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय आर, और ई नॉट जो वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पे, ये ई नॉट की वैल्यू थी जो आपने निकाला है यहाँ पे, 0.603 अपॉन जो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो 10 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, तो डिवाइडेड 10 करोगे तो ये आ जाएगा आपका, एक डेसिमल और लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, तो 0.0603 ये इतने एम्पियर की करंट होगी। इसके बाद पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, पावर डेसिपेटेड एज हीट, हीट के फॉर्म में पावर का डेसिपेशन क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पावर डेसिपेटेड एज हीट, हीट के फॉर्म में जो पावर डेसिपेट होगा वो हो रहा है आपका हाफ ई नॉट आई नॉट, जो कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है हाफ ई नॉट स्क्वायर बाय आर, और ई नॉट को तो आपको पता ही है कि ये वैल्यू आपने निकाल ली है यहाँ पे ई नॉट की, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ इंटू 0.603 स्क्वायर ऑफ दिस वन अपॉन आर रेडियस विच सॉरी रेजिस्टेंस विच इज 10, इतने वॉट की वैल्यू आएगी जो कि अल्टीमेटली आपके पास 0.018 वॉट, इतने वॉट का आपके पास इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ पावर है ना, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो आपको मिल रहा है वही रोटेट कराने की में हेल्प करेगा, कॉयल को रोटेट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इस तरह से यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें जो मैक्सिमम ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और पावर डिसिपेशन, ये सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड मिल जाते हैं। तो होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरा समझ में आया होगा क्लियर।